आ जाओ। मैं वहां पहुंचते ही हवन शुरू कर दूंगा। मैं अपने साथ एक खास सामग्री लेके जा रहा हूं जिसे अग्निकुंड में डालते ही वो जगह धुएं से भर जाएगी। जैसे ही वहां धुआं होता है मैं धुएं में छुप कर कदम को छुड़ा लूंगा। आप लोगों को जैसे ही धुआं दिखे आप लोग वहां आके डाकुओं को गिरफ्तार कर लेना, ठीक है? अब मैं चलता हूं। मेरे जाने के कुछ समय बाद आप लोग यहां से आगे बढ़ना। गणपत जी, कालू व्हील बहुत ही खतरनाक डाकू है। आपको अपने साथ अपनी रक्षा के लिए हथियार जरूर ले जाना चाहिए। नहीं, अगर कालू भील ने मेरे या मेरे सामानों की तलाशी ली तो मैं ऐसे ही ज्यादा सुरक्षित हूं। आप लोग उस पेड़ के पीछे छुप जाइए। साई बाबा मेरी रक्षा कीजिए। अच्छा हुआ हमने पुलिस वालों को पहले ही देख लिया था। हमें पकड़ने आ रहे थे, खुद ही पकड़े गए। चलो सरदार को जाके बताते हैं। पंडित डरो मत, तुम तो मेरे यहां पूजा करने आए हो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। आओ। हाँ।
पूजा शुरू करो। जान तो मुझे उस पुलिस वाले के लिए नहीं है, बड़ा आया था मुझे पकड़ने। ऐसा हश्र करूंगा उसका कि फिर कोई पुलिस वाला मेरा पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। पूजा शुरू करो। जी। ये क्या कर रहा है, जल्दी कर। पंडित, ये क्या कर रहा है? हवन तो पूजा के बाद किया जाता है ना, है? मंत्र पढ़, देवी का पाठ कर। हे देवा, मुझे दुर्गा सप्तशती याद ही नहीं है। मैंने सोचा था जाते ही हवन शुरू करूंगा, अब क्या? पंडित क्या सोच रहा है, पाठ शुरू कर। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिया य न प्रचोदयात्। ओम। ए पंडित, ये कौन सा मंत्र पढ़ रहा है? देवी का पाठ पढ़। हे देवा, दुर्गा पद मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ए पंडित, अब क्या सोच रहा है? देवी का पाठ आरंभ कर, कर। देवी तम भक्त सुलभे सर्व कार्य विदायनी कलुआ। कैसा पंडित है तू, रुक क्यों गया? तुझे कुछ भी याद नहीं? देवी का पाठ पढ़। क्षमा कीजिए कालू जी, दरअसल आपको देख के डर के मारे मैं सब भूल गया। पूजा पाठ से तो लोगों का डर दूर होता है, और तुम मुझे देखकर पूजा पाठ करना भूल गया। सच बता पाखंड जी, सच बता, तू कौन है बता। सरदार, सरदार, कुछ पुलिस वाले जंगल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमें शक है कि वो पुलिस वाले इस पंडित का पीछा कर रहे थे। पर अब घबराने की कोई बात नहीं है सरदार, हमने उन सबको बेहोश कर दिया है। सब पकड़े गए, हे भगवान। नहीं नहीं, मुझे सच में नहीं पता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तो पंडित हूं, आप ही के बुलाने पर यहां आया हूं। सच बता, तुम
पंडित है या कोई और? बता। मैं पंडित हूँ। तो फिर देवी का बात बोल। कलुई कारिस। मेरा शक गलत नहीं था, ये भी उन्हीं पुलिस वालों में से एक है। ले चलो इसे भी साथ में। नहीं, देवी का पाठ नहीं हुआ तो क्या हुआ? हल तो मिल गया, अब इन पुलिस वालों को अपने कर्मों की सजा मिल जाएगी। ले चलो इसे। नहीं नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूं, मैं पंडित हूं। होश मिलाओ इसे, अभी पता चल जाएगा तो पुलिस वाला है या नहीं। अच्छी तरह से देख, आंखें खोल, तुझे बचाने वाला खुद फंस गया है। देख उधर, ये मुझे कैसे पहचानेंगे? मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूं, मैं पंडित हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं पंडिताई सीख रहा हूं। गांव के पंडित तीर्थ यात्रा पर गए, इसीलिए मैंने उनकी जगह ली है। गणपत, मुझे बचाना है। जब आपने अपनी आंखों से देखा है तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। गणपत ने गुड़बोले काका को उनका बटुआ खोज के देने के वजह में ये भेंट लाने के लिए कहा था। ए कदम, पहचान इसे, तू इसे जानता है? जानता है? नहीं। नहीं? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जब से झूठ बोलोगे और मैं मान लूंगा। आज रात तुम दोनों को मैं मारने वाला हूं और तुम्हारे उन बेहोश साथियों को भी। तुम सबको मेरी तलवार से ऐसी खतरनाक मौत दूंगा ताकि तुम्हारा ब्रिटिश सरकार मेरे पीछे किसी को भेजने के लिए कई बार सोचेगी। भगवान के लिए मेरा विश्वास कीजिए, मुझे ईश्वर की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं आता। ठीक है, सिद्ध करके बता। अगर तूने मुझे सिद्ध करके बताया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। हे देवा, मैं कैसे सिद्ध करूं? साई बाबा, मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए बाबा। मैंने कहा था सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। तुम्हारी सच्चाई क्या है?
मेरी सच्चाई क्या हो सकती है? अपने शौक को तुम केवल शौक तक ही सीमित रखना चाहते हो या और कुछ चाहते हो? करोगे? जरूर करूंगा बाबा। मेरे लिए तुम ईश्वर स्तुति लिखोगे? मुझे आज एहसास हुआ कि आपके गीतों में कितनी शक्ति है। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, आपका गीत सुनकर लोग अपना दर्द भूल जाते हैं। ये शक्ति नहीं तो और क्या है? जब कभी तुम्हें लगे कि तुम हार चुके हो तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ सच्चाई है और सच्चाई के साथ तो ईश्वर खुद होता है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारना और कोशिश करते रहना। तुम्हारी मदद करने का जरिया ईश्वर ढूंढ ही लेगा। लेकिन मेरे साथ ईश्वर कहाँ है? मैंने तो सच्चाई का साथ दिया है, फिर ईश्वर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे कोई राह क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मुझे वो डर लग रहा है। डरो मत गणपत, जब तुम्हें डर लगे तो सच्चे मन से ईश्वर को याद करो। जहां ईश्वर हो वहां कोई भय नहीं रहता है। हे ईश्वर, मेरी मदद कीजिए। मां, ईश्वर अभी भी नहीं आए। आएंगे, पहले तुम अपनी आंखें बंद करके अपने डर से लड़ना बंद करो और अपनी सारी चिंता ईश्वर को सौंप दो। मां, मैं अभी भी ईश्वर को नहीं देख पा रहा। है बेटा, मैं उन्हें देख पा रही हूं। तुम्हें बस अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यास करते रहो, देखना एक दिन देख पाओगे। अब तो मैं ईश्वर को देख के रहूंगा मां। मुझे पता है, उस समय मां मेरा डर दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद कीजिए। बहुत से लोगों की जिंदगी दांव पे लगी है, ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए? आप बताइए, कोई संकेत दीजिए। तुम अपनी समस्या का जवाब पहले से ही जानते हो गणू,
तुम इस समस्या को एक पुलिस वाले के रूप में सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, पर यह तुम्हारी असलियत नहीं है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारी सच्चाई कुछ और है। अपनी उस सच्चाई को याद करो, याद करो गणु। तुमसे कुछ लिखने के लिए कहा था मैंने, वो ईश्वर स्तुति, वो तुम्हारे मन में बसी है। सब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया।